तो जिन लोगों ने मुझे पूछा था कि R15 V3 एंड FZ25 का जो हेडलाइट है उसको कंपेयर करो, तो अपने पास दोनों ही बाइक्स है। ये FZ25 है एंड उसके बाजू में अपने पास है यामा R15 V3 BS6। तो मैं भी दोनों ही बाइक्स का आपको हेडलाइट कंपेयर करके बताऊंगा। ये साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक बाइक खड़ी है, शायद आपको दिख रही होगी। तो मैं दोनों ही बाइक का लो बीम एंड हाई बीम मैच करके दिखाऊंगा, टेस्ट करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस बाइक की लाइट बेहतर है और अच्छी है। तो सबसे पहले हम ऑन करेंगे FZ25 को। तो जैसे ही इसको आप ऑन करोगे ना तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे एक बटन है जो आपको ऊपर करना पड़ेगा, जैसे आप ऊपर करोगे इसकी लो बीम ऑन हो जाएगी। लो बीम में वो बाइक दिख रही है। अब मैं इसका हाई बीम यूज करता हूँ, तो जैसे मैं इसको हाई बीम में करता हूँ ये आप देख सकते हैं मुझे बाइक के एकदम पीछे जो एंड है वो भी मुझे आराम से दिख रहा है। तो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये लो बीम है, ये इसका हाई बीम है। लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। आप एक बार सामने से भी देख लीजिए, ऐसी कुछ दिखती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ R15 को। तो जैसे आप R15 को स्टार्ट करोगे ये लो बीम में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसकी लो बीम, आप देख सकते हैं बाइक मुझे बाइक के सामने ही गिर रही है रोशनी, वो एंड है रोशनी का, मतलब लाइट का जो एंड है ये लो बीम है। हालांकि मैं FZ25 में कंप्लीट बाइक देख पा रहा था लो बीम में, अब ये वाली जो है इसकी हाई बीम है। तो हाई बीम में अगर आप देखेंगे तो अभी भी मुझे बाइक कंप्लीट नहीं दिख रही है। और मैं ये चीज़ अगर इसमें करूँ FZ25 में तो आप देख सकते हैं हाई बीम में मुझे कंप्लीट बाइक दिख रही है। तो FZ की लाइट मेरे हिसाब से नाइट राइड के लिए बेहतर है। आपको एक बार सामने से भी दिखा देता हूँ। तो दोनों ही बाइक्स कुछ ऐसी दिखती है। तो मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज कल बारिश हो रही थी, आज दिन में भी बारिश हो रही थी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि FZ25 की जो हेडलाइट है वो काफ़ी बेहतर है। स्पेशली इसका जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला जो MT15 की लाइट है प्रोजेक्टर, वो काफ़ी पावरफुल है। अभी मैं R15 को लो बीम में डालता हूँ। तो ये लो बीम हो गया, इसको भी मैं लो बीम में करता हूँ। आपको फर्क दिख रहा है? तो ये R15 की लो बीम है एंड FZ25 की लो बीम है। एक बार अब मैं FZ25 को हाई बीम में डालता हूँ। ये FZ25 की हाई बीम है एंड ये वाली R15 की हाई बीम है। ये FZ25 की हाई बीम है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है।